बेगूसराय मुख्यालय अंतर्गत लोहिया नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के विभिन्न मोर्चा संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस समारोह के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का जन्मदिवस होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दोहरी खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर झा के जन्मदिन पर खुशियां बांटते हुए उन्हें शुभकामनाएं देकर की गई। सम्मानित किए गए पदाधिकारियों में श्री अभिषेक कुमार जिन्हें प्रदेश में शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, श्री मिथिलेश झा जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री नीलेश कुमार जिन्हें प्रदेश महासचिव और दिवाकर कुमार जिन्हें जिला शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाया गया। अगली कड़ी में अजीत कुमार गौतम प्रदेश महासचिव व्यवसाय प्रकोष्ठ और अविनाश कुमार जिला अध्यक्ष व्यवसाय प्रकोष्ठ को सम्मानित किया गया। असंगठित कामगार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश संयोजक केडी हिमांशु को भी कांग्रेस जनों द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ कांग्रेसी श्रीकांत राय जिन्हें किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, आलोक आनंद युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव पद की कमान मिली है उन्हें भी सम्मानित किया गया। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अलग अलग प्रकोष्ठों में मनोनयन हो रहा है। हम लोग सब मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जिले में अमिता भूषण जी और सारे लोग हम लोग सब मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे। आज सम्मान समारोह है, बहुत मैं अभिभूत हूँ कि सारे कांग्रेसी मिल के एकजुट हम लोग के एक साथ बैठ के सबका सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देश में लगातार महंगाई का दौर है, उस पर लगातार सिर्फ महंगाई की बात नहीं करें, हर मुद्दे पर सरकार विफल रही, चाहे वो महामारी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है। और एकमात्र कांग्रेस ही इस देश को अच्छा शासन दे सकती है। और पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो भी चीज़ें की, जिस भी चीज़ों को बनाया, आज वो सरकार एक एक करके बेच रही है। और कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। हम लोग युवाओं को और सारे लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे और पार्टी का इतिहास बहुत ही गरिमामयी रहा है। हम लोग सब मिल के पार्टी को मजबूत करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। देश एक महापरिवार है पूरे देश के पैमाने पर, और जहां संख्या बल अधिक होता है कभी कभी वहां नाराजगी आती है। जो परिवार चलाते होंगे उनको यह बात महसूस होती है। वर्तमान समय में महंगाई जो है वह कोठ बन करके जो है तमाम आवाम जनताओं के बीच खड़ी है। पेट्रोल लें, डीजल लें, ये किसान से संबंधित है। धन्यवाद है इस सरकार को कि किसान से संबंधित जो डीजल है और उसकी कीमत आकाश को छू रही है। ट्रांसपोर्ट की समस्या है, चूंकि डीजल महंगा हो गया तो छोटे मोटे व्यापारी जो है उन पर यह प्रभाव पड़ा और वस्तु की कीमत जो है वह उसके चलते आसमान छू रही है। और क्या कहते हैं किसान की हालत। मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है, मैं बिहार प्रदेश शिक्षक कांग्रेस प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।